हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। हम लोग आपकी बुक गोल्डन रेस का लेसन 1 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट हमने जब पढ़ा था वो पेज नंबर 3 की लास्ट लाइन जो कि एट द राइज कैप्टन ओमेगा के बारे में है, इसकी एक रीडिंग करते हैं और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एट राइज हमने डिस्कस किया था, एट राइज मतलब पर्दा उठते हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉयर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुककेस। सर्जन ऊप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक टर्निंग इट अपसाइड डाउन एंड शेकिंग इट एंड देन रिपलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। हमने देखा था कोई बुक्स गिन रहा है, कोई किताबों के पन्ने पलट रहा है और कोई ड्रॉयर्स में जो कार्ड कैटलॉग है उनको कन्फ्यूज्ड फैशन में कभी खोल रहे हैं कभी देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स। एडजस्टिंग मतलब व्यवस्थित करते हुए, सेट करते हुए, नॉब व्यवस्थित करते हुए। नॉब्स यानी कि घुंडियाँ, जो छोटे नॉब्स होते हैं जिनको ऊपर नीचे करके, इसको आप स्विच भी कह सकते हो, उनको एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब किस में लिखा हुआ है? ये कोष्टक में लिखा हुआ है। इट मीन्स अगेन मंच पे क्या गतिविधि हो रही है नूडल के द्वारा, ये लेखक हमें कोष्टक में बताता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर। आई हैव अ क्लोज साइटिंग, क्लोज मतलब करीब से, यहाँ पे क्लोज का मतलब है करीब, वैसे क्लोज का मतलब होता है बंद करना भी। साइटिंग, साइटिंग मतलब नज़र में, अब मेरे काफ़ी नज़र के काफ़ी करीब आ रहे हैं। ऑफ द स्पेस क्रूसर, जो स्पेस क्रू है, ये जो दल है, ये मुझे कभी करीब से दिखाई दे रहे हैं। अगेन कोष्टक में लेखक कुछ बताना चाहते हैं। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स। थिंक टैंक जब सुनते हैं नूडल्स ने सब सेट कर दिया देखने के लिए, तो वो ए पेयर ऑफ इनॉर्मस, पेयर मतलब एक जोड़ा, इनॉर्मस बहुत ही बहुत बड़ा, गॉगल्स, गॉगल्स यानी कि चश्मे, वो बहुत ही बड़े चश्मे पहनते हैं। एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और मुड़ते हैं, टर्न्स यानी कि मुड़ते हैं टूवर्ड्स द स्टेज, टूवर्ड्स द स्टेज मंच की तरफ, टू वॉच देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या हो रहा है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कोई धरती, जो पृथ्वी की संरचना है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, धरती जैसी कोई संरचना या धरती की संरचना में वे लोग प्रवेश कर चुके हैं। एंटर का मतलब होता है प्रवेश। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब नूडल किसी यंत्र से देख रहे हैं नॉब्स वगैरह एडजस्ट करके, और वो कहते हैं कि मुझे बहुत करीब से दिखाई दे रहे हैं, तो थिंक टैंक भी अपने गॉगल्स पहन लेते हैं और स्टेज की तरफ मुड़ते हैं। फिर नूडल ही कहते हैं They seem to have entered some sort of earth structure. ऐसा लगता है कि हमारा जो परीक्षण दल है, सूचना संग्रहण करने का जो दल गया है, वो धरती जैसे स्ट्रक्चर में प्रवेश कर गया है। थिंक टैंक एक्सीलेंट, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई कि वो लोग धरती पर पहुंच गए हैं। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, अब आवाज़ संपर्क करिए, यानी कि आप उसे वार्तालाप, बातचीत करने का प्रोग्राम की व्यवस्था करवाए। नूडल स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन।
नूडल माइक्रोफोन में बोलते हुए। माइक्रोफोन छोटा सा फोन है जिसको मुँह पे लगाते हैं और बात करते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण बात कर रहा है, कॉलिंग यानी कि बात कर रहा है टेलीफोन पे। द क्रू ऑफ प्रोब वन, और किससे बात कर रहा है? द क्रू, क्रू यानी कि दल। वो जो प्रोब वन है, जो परीक्षण क्रू है, उससे मार्स स्पेस कंट्रोल बात कर रहा है, उनसे बात करना चाहता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, दोबारा फिर वो बोलते हैं कि आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। कम ऑन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। नूडल कहते हैं कैप्टन ओमेगा कम ऑन एंड गिव अस, कम इन हमारे संपर्क में आइए, एंड गिव अस, अस यानी कि हमें, हमें दीजिए योर, आपकी, आपकी जो लोकेशन है, आप जिस स्थान पे हो वो स्थान का परिचय हमें दीजिए। ओमेगा, फिर आप देखिए, अब ये कोष्टक में फिर है, इट मीन्स ओमेगा जो कर रहे हैं वो बात हमें लेकर बताना चाहता है। स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, स्पीकिंग यानी कि बोल रहे हैं, इनटू ए डिस्क, डिस्क एक यंत्र है, विच इज़ ऑन ए चेन, जो कि एक चेन पर है, एक यंत्र है, विच यानी कि जो, जो यंत्र इज ऑन ए चेन, जो कि एक चेन पर है, अराउंड हर नेक, ओमेगा के गले में एक चेन है और जिसमें एक यंत्र है, और उस यंत्र से ओमेगा बात करने का प्रयास कर रही है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा किससे बात कर रही हैं? मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, जहाँ से नूडल और थिंक टैंक बात कर रहे हैं वहाँ पे कैप्टन ओमेगा अब बात कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन ऊप्स एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ। वो कहते हैं कि पहले तो अपना परिचय देते हैं कि कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कर रही है। ये कौन बोलते हैं? ये ओमेगा बोलती हैं, और फिर ओमेगा बोलती हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन ऊप्स एंड आई, लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन ऊप्स और मैं, हैव अराइव्ड, हम पहुंच गए हैं, अराइव्ड यानी कि पहुंचना, पहुंच गए हैं कहाँ पे? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, विदाउट इंसिडेंट, विदाउट मतलब बिना, इंसिडेंट यानी कोई भी बुरी घटना, कोई भी ऐसी घटना जो हमें तंग करे, ऐसी घटना के बिना हम बहुत ही आराम से धरती पर पहुंच गए। वी हैव टेकन शेल्टर इन टू दिस, हमने शरण ली है, हैव टेकन मतलब ली है, क्या लिया है? शेल्टर, शरण, इन दिस, इस जगह पे, इंडिकेट्स द रूम, इंडिकेट्स मतलब इशारा करती है या संकेत करती है कमरे की तरफ। वो कमरे में खड़े हैं और वो कहते हैं कि ये जगह है जहाँ पे हमने शेल्टर लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये वर्गाकार स्थान, स्क्वायर यानी कि चौरस, या इसको ये कहें कि वर्गाकार। हैव यू एनी आइडिया वे वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा? फिर ओमेगा क्या करती हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा की तरफ मुँह करके बात करती हैं और उनसे पूछती हैं, हैव यू एनी आइडिया, क्या आपको थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा क्लियर है आपके माइंड में कि वेयर आर वी, कि हम सब कहाँ पे हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा क्या कहती हैं? आई कांट फिगर इट आउट, मुझे पता नहीं चल रहा है, फिगर यानी कि पता चल रहा।
कांट बने नहीं नहीं कर पा रही मैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, अब कोष्टक में है कि आयोटा है क्या करते हुए ये बात कहती है कि आई कांट फिगर इट आउट। होल्डिंग अप ए बुक, एक पुस्तक को होल्डिंग अप, ऊपर उठाते हुए, अब यानी ऊपर होल्डिंग में उठाते हुए, एक किताब को ऊपर उठाते हुए आयोटा कहती है कि मुझे नहीं पता, कि मैं ये पता नहीं लगा पा रही हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पेक्यूलियर आइटम्स, आई हैव काउंटेड, मैंने गिनती की थी, की है 2000 ऑफ दिस पेक्यूलियर, 2000 के करीब ये जो विचित्र, पेक्यूलियर मीन्स विचित्र, दिस पेपर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार, ये जो प्लेस है, सॉरी दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार, यह जगह किसी तरह की खलियान भंडार हो सकता है। बार यानी कि खलियान, स्टोरेज मैंने भंडार, खलियान का भंडार हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 2000 के करीब ये विचित्र से आइटम काउंट किए। What do you think, Sergeant Oop? Sergeant Oop, आप क्या सोचते हो? Oop, I haven't a clue. मुझे भी कोई इसका ज्ञान, इसका पता नहीं है। I have been to 7 galaxies. I have been to, मैं गया था, मैं जा चुका हूँ 7 galaxies पर। Galaxies क्या होती हैं? आकाश के। बहुत अत्यधिक तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो ऊप्स कहते हैं कि मैं 7 आकाशगंगाओं पर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं है। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने नेवर यानी कभी नहीं, सीन देखा, एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कैसा नहीं देखा? वो किताबें जो वो लोग देख रहे हैं और वो जो स्थान है, ऐसा स्थान के हिसाब से उन्होंने कभी नहीं देखा। मे बी देयर हैट्स, हो सकता है वो सिर के टोपे हो, कि ओपन, जैसे कि आप पुस्तक को खोल के सिर पर रख लीजिए तो वो एक टोपी का काम करता है। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, सर्जेंट वो क्या करते हैं, ही ओपन से बुक, वो उस किताब को खोलते हैं और अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। से मे बी दिस इज अ हैबरडैशरी, और कहिए तो मे बी, हो सकता है यह जगह एक हैबरडैशरी हो। हैबरडैशरी यानी फुटकर की दुकान, फुटकर की दुकान। ओमेगा बोइंग लो, झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, परहैप्स यानी के शायद, द ग्रेट महान एंड माइटी थिंक टैंक, और महाबली जो थिंक टैंक है, विल गिव अस, वो हमें प्रदान करेंगे या हमें देंगे, द बेनिफिट, बेनिफिट यानी कि लाभ, फायदा, हमें फायदा देंगे, किस बात का फायदा, ऑफ हिज थॉट, उनके विचारों का फायदा। इसका मतलब अब वो ये चाहते हैं, ओमेगा ये चाहती हैं कि जो थिंक टैंक है वो खुद ही हमें कुछ बताएं इस जगह के बारे में, इस मैटर के बारे में, इस मुद्दे के बारे में। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, एलिमेंट्री, ये तो बहुत ही सरल है माय डियर ओमेगा, ये जो आप कह रहे हो कि मैं भी अपनी बात आपको बताऊं इसके बारे में, तो ये मेरे लिए बताना बहुत ही सरल है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, होल्ड मतलब पकड़िए,
पकड़िए, वन ऑफ द आइटम्स, इनमें से एक कोई भी एक आइटम आप पकड़िए अब थोड़ा ऊपर करके, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि, सो दैट मतलब ताकि या जिससे कि आई मे व्यू, मैं उसको देख सकूं, व्यू यानी के देखना, क्लोजली, क्लोजली हमने अभी वर्ड पढ़ा था क्लोज, उसी से क्लोजली आ गया करीब से। अब जब थिंक टैंक जो मेन कमांडेंट इन चीफ हैं, अब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो लोग सब मानेंगे, और उन्होंने ओमेगा से कहा कि एक वो आइटम पकड़िए ऊंचा और बिल्कुल ऐसे पकड़िए ताकि मैं उसको बहुत करीब से देख सकूं। ओमेगा क्या करती है, शी होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो अपनी हथेली पर, पाम यानी के हथेली, होल्ड्स यानी के पकड़ उठाती है, ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं अब समझ गई, सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, जैसा कि धरती के सॉरी थिक डैंक कहते हैं, आई अंडरस्टैंड नाउ, मुझे अब समझ आ गई, सिंस द अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, जैसा कि धरती के लोग आर ऑलवेज हमेशा ईटिंग यानी खाते रहते हैं, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, वह स्थान जहाँ, द प्लेस इन विच वह स्थान जिसमें यू फाइंड तुम पाते हो योर सेल्फ स्वयं को, इज अनडाउटेडली वह निःसंदेह, अनडाउटली यानी निःसंदेह एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एक बहुत ही सादा सा मूल सा रिफ्रेशमेंट स्टैंड, रिफ्रेशमेंट मीन्स अल्पाहार, टू आयोटा एंड ऊप, आयोटा और ऊप को, ही सेज वी आर इन द रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब ओमेगा थिंक टैंक से बात कर रही है, थिंक टैंक ने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हो, तो वो फिर आयोटा और ऊप्स को बताती है कि थिंक टैंक क्या सोचते हैं, वो कहती है ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि हम एक अल्पाहार के स्टैंड में हैं। वेल द अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, हाँ अर्थलिंग्स जो हैं, अर्थलिंग यानी कि पृथ्वी के निवासी, पृथ्वी के लोग हैव अ स्ट्रेंज डाइट, बहुत ही विचित्र सा उनका भोजन है, स्ट्रेंज डाइट यानी विचित्र, थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच, वो आइटम जो आपके हाथ में है उसको क्या कहते हैं, सैंडविच, हम सब जानते हैं कि सैंडविच दो ब्रेड होती हैं, ब्रेड के बीच में कुछ लगा होता है फिर ब्रेड होती है वो बन जाता है सैंडविच, तो यहाँ पे थिंक टैंक क्या कहते हैं, दैट आइटम इन योर हैंड, और उनके हाथ में क्या आइटम होता है, पुस्तक होती है, इज कॉल्ड अ सैंडविच, उसे सैंडविच कहा जाता है। ओमेगा नॉडिंग, ओमेगा हाँ में सिर हिलाते हुए, नॉडिंग का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, और शेकिंग का मतलब होता है नहीं में सिर हिलाना। आयोटा नॉडिंग, इस सैंडविच, एक सैंडविच है ये, ऊप्स टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ से किताब हटाते हुए, इस सैंडविच, सबको बहुत हैरानी हो रही है, हम सब सैंडविच के बीच में हैं। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ राइट, ये जो सैंडविचेस हैं ये मेन मुख्य, मेन यानी कि मुख्य, स्टेपल यानी कि भोजन ऑफ अर्थ राइट, अर्थ के लोग जो है उनका जो भोजन है उसकी डाइट का मेन भाग क्या है, सैंडविचेस।
इसको तो अर्थ के लोग सैंडविचेस बहुत खाते हैं. लुक एट इट क्लोजली, उसको करीब से देखो. ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, ओमेगा तिरछी आंख से, स्क्विंट्स यानी तिरछी आंख से, एट बुक, ओमेगा तिरछी नज़र से बुक को देखती है. देर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट, उसमें दो स्लाइसेस हैं. स्लाइसेस यानी कि दो परतें हैं, जैसे कि ब्रेड की परत होती है, दो पीस टुकड़े हैं. ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, सैंडविच में दो स्लाइस होते हैं ब्रेड के, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और दोनों ब्रेड के जो स्लाइस हैं पीस हैं उनके बीच में किसी तरह की फिलिंग होती है. फिलिंग यानी कि भरावन, जैसे आलू भर दिए, कोई पनीर भर देते हैं, कोई जैम लगा लेते हैं, तो उसको कहते हैं सैंडविच. ये बात कौन समझा रहा है? ये थिंक टैंक ओमेगा को समझा रहे हैं. ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर, वो सही है सर. थिंक टैंक, टू कंफर्म माय ओपिनियन, मेरे विचार को कंफर्म, कंफर्म मतलब उसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए विचार को स्थापित करने के लिए सत्यता को. आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आदेश करता हूँ तुम्हें, ऑर्डर यानी कि आदेश करता हूँ कि तुम उसे खाओ और देखो कि वो सैंडविच कैसा है. ओमेगा गल्पिंग, गले में कुछ निगलते हुए, जैसे हम घबरा जाते हैं तो कुछ गले के अंदर जाता है, उसी को कहते हैं गल्पिंग. ईट इट, उसको मैं खाऊं. थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम शक करती हो? डाउट यानी कि शंका. क्या तुम माइटी थिंक टैंक पर, महाबली थिंक टैंक पर तुम शक करती हो? ओमेगा, ओ नो नो, नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन ये बेचारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है इसने अभी तक अपना नाश्ता नहीं, हैज़ नॉट हैड, उसने नहीं लिया है, हर यानी कि उसका ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, उसका नाश्ता अभी तक लिया नहीं है. तो ओमेगा क्या चाहती है कि जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो ये सैंडविच खाए, क्योंकि ओमेगा खाना नहीं चाहती है. लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, लेफ्टिनेंट आयोटा मैं आदेश देती हूँ आपको कि आप इसे खाएं. दिस सैंडविच, अब बच्चे भी जानते हैं, हम लोग जो पढ़ते पढ़ते समझ गए हैं कि ये सैंडविच किसको मान रहे हैं, उन किताबों को जो कि उस कमरे में पड़ी हुई थी. आयोटा डूबियसली, डूबियसली संदेह के साथ, कि क्या ये वाकई खाने की चीज़ है. ईट इट, खाऊं मैं इसे? ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच. वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा सम्मान है, ऑनर यानी कि सम्मान, टू बी द फर्स्ट मार्शियन, कि मैं पहली मंगल की निवासी होंगी टू ईट द सैंडविच. आई एम श्योर, ये मैं बिल्कुल श्योर फील करती हूँ कि एक सम्मान है मेरे लिए. बट बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतना इम्पोलाइट, इतना रूड बिहेवियर मेरा कैसे हो सकता है, एज टू ईट बिफोर माई सर्जन, कि मैं अपने सर्जन से पहले ही खा लूँ. हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सर्जन ऊप को वो किताब देती हैं और बहुत ब्राइटली यानी कि चहके कहती हैं. सर्जन ऊप, सर्जन रू, आई ऑर्डर, मैं आदेश करती हूँ यू टू ईट द सैंडविच इमीजिएटली, कि आप इस सैंडविच को इमीजिएटली, इमीजिएटली यानी कि अभी खाएं. तो हमने देखा है कि ओमेगा से कैप्टन आयोटा पे आया और आयोटा से फिर वो सर्जन पे चला गया, और सब जानते हैं कि खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि थिंक टैंक ने कहा है तो उनको उसका आदेश की पालना करनी है.
इसी के साथ आज के वीडियो में समाप्त करती हूँ। आगे का जो पोर्शन यहाँ से है वो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू।